बीते 23 जून को प्रदेश भर में टेट का एग्जाम हुआ था, टेट यानी शिक्षक पात्रता का एग्जाम हुआ था, और आज वो जो एग्जाम है छत्तीसगढ़ के धमतरी के भखारा सेंटर, भखारा के महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज फिर से जो परीक्षार्थी है वो आज पहुंचे थे, और अभी जस्ट अब से कुछ देर पहले वो लोग एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर बाहर निकले। उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार 23 जून को क्या हुआ था कि उनका फिर से आज एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देने वो लोग पहुंचे थे। हमारे साथ कुछ जो परीक्षार्थी हैं, जो एग्ज़ामिनर हैं, वो पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी पहले तो नाम बताएंगे। मेरा नाम देवकांत साहू है, मैं ग्राम बोड़ासा से हूँ। 23 जून को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रश्न पत्र आधा घंटा लेट से और उत्तर पुस्तिका आधा एक घंटा लेट से दी गई थी। इसमें परीक्षार्थियों को बहुत समस्या हुई। बाद में जो हम प्लानिंग करके जा गए होते हैं एग्ज़ाम सेंटर में कि एग्ज़ाम कैसे देना है, कितने घंटे में कितने प्रश्न हल करना है, उसके अनुसार इसमें गड़बड़ी हो गई। तो बाद में स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम हुई, तो मीडिया ने इस बात को अच्छे से प्रशासन के सामने रखा। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस बार एग्ज़ाम में 20 जुलाई के एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर व्यवस्था रही और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा लेंदी थे पिछली की तुलना में। पिछले बार क्या दिक्कत हुई थी, इस बार कितना आसानी हुआ एग्ज़ाम देने में? पिछले बार OMR sheet की देरी के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और इस बार OMR sheet समय पे मिल गई थी और अन्य व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छे तरीके से रही। इस बार मतलब टाइम कितने समय के लगभग मिला था? टाइम प्रॉपर टाइम 2:10 पे दे दिया गया था और लिया गया 4:45। तो ये कुछ परीक्षार्थी थे, उनसे बातचीत किया जाना और उन्होंने बताया कि इस बार जो टाइम है उनको सफिशेंट टाइम दिया गया था और इस बार बहुत अच्छे से उसका जो एग्ज़ाम गया। हालांकि क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आया था ऐसा उनका कहना है, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी यहाँ परीक्षार्थी हैं, उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। पिछले बार आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी एग्ज़ाम देने आए थे, पिछले समय क्या दिक्कत हुई थी, इस बार एग्ज़ाम कैसा गया और इस बार सारा कुछ ठीक रहा? पिछले समय हमको जो क्वेश्चन था 35 मिनट लेट मिला था और जो OMR था वो 1.5 घंटे करीब लेट मिला था, तो इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए उनकी गलती थी। लेकिन इस बार जो हमारे अथक आप मीडिया के प्रयास से हुआ कि फिर से ज्ञापन द्वारा भी कंडक्ट एग्ज़ाम कराया गया है, तो इस बार पिछले बार कहते थे इस बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड था, उसमें लेंदी क्वेश्चन दिए थे और बाकी सब पेपर अच्छा गया। बखारा महाविद्यालय में महर्षि वेदव्यास मतलब महाविद्यालय की अगर बात करें, पिछले बार 288 परीक्षार्थी यहाँ बैठे थे, इस बार कितने बैठे? इस बार भीड़ को देखे तो कम लग रहा है, लगभग 200 के आसपास बैठे होंगे। पर एक्चुअली ये भी होता है कि कई बार कई लोग पिछले एग्ज़ाम में पास हुए रहते हैं तो दोबारा एग्ज़ाम कराने नहीं आते, इसमें खर्चा भी होता है उनका, इसलिए नहीं आए होंगे। अच्छा, उस समय कहाँ कहाँ आप लोगों ने मांग किया था, जैसे आप लोगों ने ये आरोप लगाया था कि विलम्ब से क्वेश्चन सेट आंसर सेट दिया गया, तो कहाँ कहाँ मांग किया? जी सर, सबसे पहले तो हम आपको कॉलेज में ही यहाँ पर धरना दिए थे कि हमारा पेपर, क्योंकि उस समय शिक्षक भी हमारे लिए ध्यान नहीं दिए थे, तो हम फिर उसके बाद कलेक्टोरेट गए, कलेक्टोरेट में वहाँ कलेक्टोरेट जो कलेक्टर साहब हैं उनसे हमने है ना आवेदन दिया उनको, फिर रायपुर भी गए थे मुख्यमंत्री निवास में तो उनको भी दिए, तो ये सब जो सारे और मीडिया के माध्यम से भी हुआ है ना, तो ये सब सारी चीज़ों के कारण ही आज बार एग्ज़ाम जो है भी कंडक्ट हुआ। पेपर कैसा बना? पेपर अच्छा गया था। कहाँ से आया नाम? नगरी से। अच्छा, चलो तो ये वासुदेव ठाकुर जो नगरी से पहुंचे, यहाँ से तकरीबन 90-100 किलोमीटर दूरी से, बरसात का मौसम है लेकिन जुनून है, खुशी है कि पेपर दोबारा हुआ, पेपर अच्छा बना भी है, ऐसा उन्होंने बताया। हमारे साथ कुछ और भी महिला परीक्षार्थी हैं, उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। पेपर देने आए थे, कहाँ से आए थे? दुकली से आए थे, उतने दूर से आए थे। एक बार और आपने पेपर दिलाया, क्या दिक्कत हुई थी कि दोबारा पेपर हुआ? इस बार व्यवस्था कैसा रहा यहाँ पर? कितने घंटे के समय मिले? तो काफ़ी उत्साह दिख रहा है इन लोगों में, तो इनका मांग था, उस समय कुछ दिक्कत हुई थी और उसी को लेकर मांग था, लगातार मांग था, आखिरकार उसकी जो मांग पूरी हुई और वो आज फिर से भखारा कॉलेज में सेंटर में एग्ज़ाम देने पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देकर लोग संतुष्ट हैं। कहा ये जा रहा है कि पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था लेकिन बना भी अच्छा, तो सारे जो परीक्षार्थी कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रहे। जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए धमतरी। ढाई घंटे भैया, हाँ लेते हैं हम लोग।